हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग सब लोग अच्छे हो अपने घर पे। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पनीर लदी और स्पेशल पराठा, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 कप यहाँ पर मैदा। पहले हम आटा लगा के रख देंगे। इसके लिए हमें पानी को बॉईल करना है। ये स्पेशल पराठा नॉर्मल पानी से नहीं लगाया जाता है, इसे लगाने के लिए हमें पानी को बॉईल करना पड़ता है। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। फूड कलर डालने से हमारा पराठा बहुत दिखने में बहुत अच्छा हो जाता है। गर्म पानी में आटा लगाने से आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। आप लोगों ने पहले इसे ट्राई किया होगा, बट आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने इस स्पेशल पराठे की रेसिपी। ये बहुत गर्म पानी है, इसीलिए हमें 1 स्पून की मदद लेनी होगी। जब तक यहाँ पानी हो रहा है, हम अपने पनीर के लिए स्टार्ट कर रही हैं पनीर की रेसिपी। साथ साथ ही दोनों बनता रहेगा। ये है अमूल बटर। आज मेरी सब रेसिपी अमूल बटर से ही बनेगी। खाने में हो अगर अमूल बटर तो बस टेस्ट ही, टेस्ट के बारे में फिर आप सोच ही सकते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम करेंगे पनीर की तरफ थोड़ी सी लो, और हम यहाँ पर पहले आटा लगाएंगे क्योंकि मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इस मैदे में हमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम डालेंगे नमक, ताकि ये हमारा बहुत अच्छा सा पराठा रेडी हो। और इसे बस हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे मिला लेंगे। अब ये पानी हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा पानी बहुत गर्म है। अगर आपको पानी कम या ज्यादा लगे तो आप आटे के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। पानी मेरा थोड़ा कम है, थोड़ा सा और पानी खोलूंगी। पनीर के लिए थोड़ा इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल जाएगा, ताकि हमारा बटर जले ना।
इसमें हम ऐड करेंगे खूब सारा बटर। डायरेक्ट बटर डालने से बटर जलने लगता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डालना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे जब ये बटर हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए कुछ थोड़े 15-20 काजू हैं, 15-20 बादाम हैं और ये थोड़ी सी किशमिश है। जब तक मेरा पानी हो रहा है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। किशमिश पहले रोस्ट हो जाती है इसीलिए इसको पहले डाल के ज़्यादा हीट में ना रहे इसे पहले हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारी किशमिश बस होने ही वाली है। किशमिश को हमें ज्यादा देर तक सॉटे नहीं करना है। क्योंकि ये लजीज बन रहा है तो इस वजह से इसमें ड्राई फ्रूट्स का होना बहुत जरूरी है। ये देखिए अब हमारी किशमिश होना फूलना शुरू हो गई। और बस हमें इसे इसी स्टेज पे निकाल लेना है, इसे ज्यादा लाल नहीं करना है नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। यहाँ पर फ्लेम लो ही रखेंगे क्योंकि बटर है, तेज फ्लेम करेंगे तो वो जलने लगेगा। और यहाँ पर हम अपने काजू और बादाम को रोस्ट करते हैं। जब तक ये रोस्ट हो रहा है, जब तक हमारा ये यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है तो पानी की फ्लेम करेंगे ऑफ। से मिला के थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है नहीं तो पानी ज्यादा लगेगा आपको। और जब ये हल्का सा नॉर्मल हो जाए फिर इसे अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से लगा भूनना होता है। ये देखिए अब इसे हमें इसी स्टेज पे छोड़ देना है। ज्यादा पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा फिर इसे हम अच्छी तरह से अपने हाथों से मिलाएंगे। अब इसे रखते हैं साइड पे। और यहाँ अपने बादाम को देखते हैं, हमारा धीमी आंच पे हमने छोड़ दिया था तो ये भी अब ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब बस इसको हम इसी स्टेज में हमें निकालना है। बटर में रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का अपना अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। आप इसे घी में भी टेस्ट करिएगा, ये घी में भी बनता है बट घी में सॉल्ट नहीं होती है ना तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर मेरे पास ये प्याज है, रफली चॉप 2 प्याज मैंने लिए मीडियम साइज की और 2 टमाटर लिए और 2 हरी मिर्ची लिए हैं। अब इसे हम डालेंगे अपने बटर में। पहले प्याज और हरी मिर्च डालेंगे।
फ्लेम हमें कम ही रखनी है। इसी स्टेज पे हमें प्याज को थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए इसमें नमक मिर्च ऐड करनी है। ये हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक। बाद में टेस्ट करके हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना नमक। और ये जाएगा 1 टीस्पून इसमें लिया है हमने मिर्च, तो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है। बाद में टेस्ट करने के बाद इसमें कम ज्यादा ऐड कर देंगे अगर मिर्च कम लगेगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है। ये बन रहा है पनीर लजीज, जिसमें अमूल का फ्रेश क्रीम यूज होगा, अमूल के बटर में ये बन रहा है और कुछ सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बन रहा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, लाइव के बाद आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे हम कवर करके पकाएंगे जब तक ये हमारा टमाटर और प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता है। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए बस। अब यहाँ आटा हमारा अब नॉर्मल हो गया है, अब इसे अपने हाथों की मदद से ध्यान से करिएगा। पानी अभी भी नीचे गर्म है। इस पराठे को हमने दूध में भी बनाया है दूध डाल के, बट आज हमने इसे पानी के साथ ट्राई किया है। ये दूध में भी सॉफ्ट बनता है बट हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि आप दूध में ही बनाएं, हम पानी के साथ भी इसे बना सकते हैं और ये काफी सॉफ्ट बनता है। काफी गर्म है इसीलिए इसे धीरे धीरे करना पड़ रहा है। जब ये आटा अच्छे से लग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा ऊपर में ऑयल लगाएंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करिए। देखिए अब धीरे धीरे हमारा दो अब रेडी हो रहा है। अच्छी तरह से सब तरफ से साफ करके अच्छा सा डो लगाना है। ये डो बहुत सॉफ्ट बनता है। हमें ज्यादा देर सॉफ्ट करना भी नहीं पड़ता है। अब इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल।
आधा टीस्पून और एक बार फिर इसको अच्छे से हमें ये देखिए इसमें ऑयल डालते ही हमारा डो कितना लचीला हो गया। ये अब हमारा दम डन है। अब हम जब तक इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट छोड़ते हैं जब तक हम अपना पनीर देख रहे हैं। पनीर की तरफ ये हमारा टमाटर भी ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। अभी हमें इसे मिक्सर में भी ग्राइंड करना है। थोड़ा सा और ये सॉफ्ट होगा। इसे अच्छी तरह से स्पून के जरिए ही हमें टमाटर को इसमें पानी इसका सुखा देना है। मेरे घर की ये फेवरेट डिश है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट को हम साइड पर रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स कहना चाह रही हूँ। थैंक यू एंटायर टीम और ऑफ अमूल जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने पेज पे आके लाइव करने का। और ये मेरा एक ड्रीम भी था एज अ होम कुक कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अब इस स्टेज पे हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि बाद में भी हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का यूज नहीं करते हैं। पहले हम पराठा बना लेते हैं जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है। पराठे के लिए तवा इसकी छोटी छोटी हमें लोई लेना है। अभी हमें सिर्फ दो पराठा बनाना है बाकी का लंच में। सरफेस पे हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है क्योंकि ये हो सकता है ये चिपके।
इसे ध्यान से हमें बेलना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट डो होता है। इसे ज्यादा पतला ना करें, इसकी थिकनेस मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। ये हो गया, अब इसे डालेंगे मैं तवे पे। अब इसे हम अमूली के बटर में फ्राई करेंगे। देंगे मक्खन और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। खूब सारा मक्खन डालने से ये पराठा बहुत यम्मी होता है। हमें क्रिस्पी होने तक इसे तवे पे रहने देना है। ये हमारी लखनऊ का जो हमारा हवाई शीरमाल होती है, ये टेस्ट में बिल्कुल वैसा ही होता है, एकदम सॉफ्ट। इसका कलर देखिए, हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है। मीडियम फ्लेम रहेगी, बहुत तेज हमें इस फ्लेम को नहीं करना है। और अब हम ये जब तक हो रहा है, मैं 2 मिनट में अपने इस मिक्सचर को पीस के आई। 2 मिनट ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया। ये मेरा पराठा बस, ये हमें निकाल लेना है। अब ऐसे ही हमें दूसरा पराठा अपना इस पे रखना है, साइड में जो मक्खन है उसे हमें इसी में मिला लेना है। बस यहाँ पर मेरे पराठे बन गए। अब यहाँ पर हमें डालना है, अब ये हम पनीर का बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैम ये बन गया है पनीर लजीज, और ये स्पेशल पराठा है पनीर के साथ जो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए घर पे बनाती हूँ। पराठे को बस अब ये जब तक सीख रहा है, क्रिस्पी होने तक इसे हमें सेकना है। बस आंच हमारी मीडियम है। अब हम फटाफट पनीर की तैयारी करते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और याद रहे अभी इसमें हमें मक्खन नहीं डालना है,
हम ऊपर से मक्खन अपना डालेंगे। अब जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, ये जीरा देखिए आप क्रैक हो रहा है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए हमारा जीरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बैटर, सॉरी बैटर नहीं, मसाला। साथ ही साथ हमें पराठों को भी देखना है, ऐसा ना कि ये जल जाए। ये जीरा हमारा हो गया, अब यहाँ पर जाएगा हमारा बैटर, सॉरी मसाला, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर इसको फ्लेम अभी ऑफ स्लो ही रखनी है ताकि नीचे आपका मसाला लग जाए, लगना जाए। थोड़ा सा पानी करके हमने सारे मसालों को इसमें डाल दिया। यहाँ फ्लेम करेंगे ऑफ। ये मेरा पराठा रेडी है, अब बस जल्दी जल्दी से हमें अपने पनीर को रेडी करना है कुछ मसालों के साथ। अब इसमें कुटे हुए मसालों में जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली है, बट थोड़ी सी अभी और जाएगी, हाफ टी स्पून। यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा धनिया, यहाँ पर 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, यहाँ पे 1/2 टीस्पून जाएगा नमक, और हमें इसे अच्छे से मिलाना है। इस बैटर को थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर जाएगा। अब आप लोग को अगर लंच करना है मेरे साथ तो प्लीज मोस्ट वेलकम, मेरे यहाँ लंच बन रहा है। जितने लोग ये भी लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा हो। क्योंकि ये पहले भी हमने थोड़ा सा सॉटे किया था तो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे हम अमूल का खूब सारा मक्खन। चूंकि यहाँ पर अब हमें जलने का कोई वो नहीं है कि हाँ अब ये हमारा जल जाएगा, अब इसका टेस्ट बस यम है। बस ये 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जब तक हम यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर अमूल की मलाई पनीर, और इसे हम ओपन करके रख ले रहे हैं। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा। ये मेरे घर में किसी को फ्राइड पनीर नहीं पसंद है, ये ऐसे ही कच्ची पनीर डालने से वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अब जब इसमें ऑयल रिलीज हो रहा है इसे हम थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे, बस 2 से 3 मिनट।
इसमें अभी जाएगा अमूल का फ्रेश क्रीम, ये मैंने लिया है, और ये खूब सारा क्रीम जाएगा जिससे हमारी पनीर और भी लजीज हो जाएगी और खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस हमें 2 मिनट का वेट करना है। प्लीज आप लोग एक टैग करिए लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लाइव ज्वाइन कर पाए। अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ये अब मेरा मसाला एकदम रेडी है। अब इसमें पहले डालेंगे हम खूब सारा क्रीम, क्योंकि ये बन रहा है पनीर लजीज, तो यहाँ पे जाएगा खूब सारा क्रीम जिसमें हमारे पनीर को बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा और ये क्रीमी क्रीमी हमारे पराठे के साथ बस मजा आ जाएगा। प्लीज आप लोग आ जाइए जिसे जिसे भी मेरे साथ लंच करना है। अब डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर केचप, टू टीस्पून, थोड़ी सी शक्कर, बस थोड़ी सी 1/4। और अब इसमें जाएगा पनीर, इससे मैं एक बार अमूल की डाइट टीम को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ और इस लाइव तक मुझे पहुँचाने में मुरली सर उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज उनकी बदौलत आज मैं ये लाइव कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुरली सर, मुरली गुप्ता सर। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। इसमें काजू हमने पीस के नहीं दिया है, ये काजू बस ऐसे ही जाएगा इसमें। अब हुआ ना पनीर लजीज, इसमें लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर है अमूल बटर का और हमारे सब गरम मसालों का। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालते हैं यहाँ पर, इसे हम थोड़ी देर बस सॉफ्ट होने देंगे। यहाँ पर हम बस इसे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इसे बस अब ढक के छोड़ देंगे। नहीं सॉरी, अभी इसमें डाल जाएगा तो पूरी नहीं, सॉरी, कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा लेके इसे क्रश करके डालेंगे इसमें। पनीर और कसूरी मेथी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा सा बटर डाल के इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर हम अपने पराठों को पहले काट लेंगे। और इसे हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए ये हमारी मैंने मीठी चटनी बनाई है मैंगो की, रॉ मैंगो है, इसे हम इसके साथ सर्व करेंगे। बस मेरा पनीर हो जाए और उसके बाद ग्रेवी शुरू। आ जाइए इनाम फातिमा, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप लोगों का जो जो मेरा लाइव देख रहे हैं। लीला नरेश जी, आपने किस चीज को रिपीट करने के लिए कहा है, प्लीज कमेंट कर दीजिए। आज मेरे किचन में बन रहा है पनीर लजीज और उसके साथ स्पेशल पराठा। थैंक यू इंटायर टीम ऑफ अमूल, और आपके प्रोडक्ट तो सालों से हमारे घर में हैं, यूज हो रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। बस ये 2 मिनट में हमारा पनीर रेडी हो जाएगा और इसे हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ लाइव एंड करेंगे यहाँ पर। आप लोग कहाँ कहाँ से लाइव वॉच कर रहे हैं प्लीज आंसर। प्लीज कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से लाइव देख रहे हैं। वाओ ग्रेटर नोएडा, एनीवन एल्स? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ कहाँ से हैं प्लीज बताइए। मेरा पनीर अब रेडी है, अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम करते हैं ऑफ। और इसे धीरे हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे। अब इस सर्विंग बाउल में अपना पनीर आएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, ये क्रीमी टेक्सचर का पनीर है जिसे आज तो बड़ा मजा आने वाला है खाने में। लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। अब इसे हम अच्छे से गार्निश करेंगे। अपने बचे हुए